हमारी मतगणना पूरी हो चुकी है और सभी वार्डों के हमारे परिणाम आ चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के 32 सीटों पे उनको जीत मिली है, कांग्रेस को 22 सीटों पे और निर्दलीयों को 14 सीटों पे। अधिकतम वोटों से कौन सा प्रत्याशी जीता और सबसे न्यूनतम से कौन जीता? अधिकतम वोटों से वार्ड संख्या 14 में ललित जीते हैं 1156 वोट से और न्यूनतम राखी जीती हैं 13 नंबर वार्ड में 1 वोट से। अब सर इनका जो शपथ नहीं ले रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान होगा जो नहीं आ पाए? अभी तक हमारे यहाँ 31 लोगों ने शपथ ले चुकी है। शपथ लेने के लिए जो हमारे जो प्रावधान है रूल्स में वो ये है कि वाइस चेयरमैन के चुनाव से पहले सभी का शपथ लेना अनिवार्य है और किसी भी चुनाव में जैसे चेयरमैन का चुनाव उससे पहले होगा अगर उसको वोट डालना है तो उससे पहले शपथ लेनी होगी। तो लास्ट शपथ तो दिलाई जाएगी इनको? शपथ ऑफिस टाइम में आज लेते हो तो ठीक है, नहीं तो कल से ऑफिस टाइम के दौरान शपथ दिलाई जा सकती है, वहाँ से आकर शपथ ले सकते हैं मेरे ऑफिस में। सर कोई आपत्ति वगैरह? आपत्ति 2 वार्डों में आई थी जिसको निस्तारण ऑब्जर्वर महोदय के समक्ष सुनवाई करके निस्तारण करके। कोई रिकाउंटिंग वगैरह? नहीं, रिकाउंटिंग कहीं भी नहीं।